You know, at that time when you were so young and you entered the industry, mujhe batao, what were the things that you were really scared of? How did it turn out eventually? And how did you sort of conquer that? What were your apprehensions? What turned out different for you? And kaun si cheeze alag thi? Aur kaun si cheeze badli eventually? एक तो ना मुझे एंटर करते टाइम किसी ने कुछ बोला नहीं था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड सही नहीं थी. तो मैं आई जस्ट डिड डीप एंड में डाइव. सो मतलब स्टार्ट ही मैंने एकदम हाई प्रोफाइल मूवीज से कर ली, बड़े बड़े नामों के साथ, के मतलब डायरेक्टली. और आई गॉट लकी, आई ऑलवेज आई गॉट लकी विद माई डेब्यूज एवरीवेयर. आई गॉट टू वर्क विद बिग नेम्स इन माई डेब्यूज. सो उस वजह से ना दोज एक्सपेक्टिंग के अच्छा फीमेल एंटरिंग इन टू द फिल्म इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल अलोन. आई डेंट हैव माई मदर, कोई भी नहीं था मेरे साथ जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था. कि यूजली मम्मी साथ जाती है, कोई फैमिली मेम्बर साथ जाता है, मेरे साथ कोई नहीं था. तो एक तो वही देख के पीपल वर वेरी के मतलब अकेली आ गई है, पहली पिक्चर है और अकेली आ गई है. बट मेरे को वो एडवेंचर था मेरे लिए कि अब मेरी लाइफ ना स्टार्ट होने वाली है. अब वो एक्साइटमेंट थी मेरे को कि अब कुछ नया स्टार्ट होने वाला लाइफ के अंदर. एंड आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट माय पेरेंट्स वर जो लोग मुझे नाइट स्टे के लिए नहीं जाने देते थे बाहर अपने सेम सिटी में अपने फ्रेंड के घर पे, उन्होंने मुझे ऑल द वे मदुरई और हैदराबाद अकेले भेज दिया. पता नहीं कैसे, आज तक समझ में नहीं आया. मैं पूछा कभी? हाँ, मतलब बोलते हैं, मतलब वो क्लीशे से आंसर देंगे, नहीं हमें पता था हमारी बेटी ये वो एंड ऑल दैट. बट यार मतलब नाइट स्टे का तो जाने नहीं देते थे. आप मुझे मदुरई तक भेज दिया, हैदराबाद तक भेज दिया. बिग डील है फॉर वुमेन, एंड वो भी इंडस्ट्री के अंदर जिसका आए दिन न्यूज में हमेशा नेगेटिव ही चीजें आती है उसके बारे में, पॉजिटिव तो रेयरली कोई आता. फुल एडवेंचर के साथ मैं कूद मारी इसके अंदर. एंड उस टाइम किसी ने कुछ बताया नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं थी. मैं कहता आई विल टेक इट बाय द डे, कोई आइडिया नहीं है. सो पहुंचते सार मेरे को लगा था कि यार ये एक्टिंग तो सब मतलब अच्छा कपड़े पहन के घूमना ही तो है, मतलब इजी है. नहीं नहीं बोलनी है अच्छे कपड़े पहन के, मतलब व्हाट इज अ बिग डील, अच्छे लगने में क्या एफर्ट होता है, सब तैयार कर रहे हैं तुम्हारे को. बट यार वो तैयार करने के बाद वो लाइनें याद करके, वो भी कोई ऐसी भाषा में जो तुमने आज तक सुनी नहीं है, फॉरगेट अबाउट बोलना, तुमने हैव नॉट इवन हर्ड, वो लाइनें माउथ करनी, वो भी सामने धनुष खड़ा है तुम्हारे, ठीक है, और तुम्हारे को एकदम ऐसे मतलब बिल्कुल नॉनचलेंट वे में तुम्हें लाइन कैजुअली बोल देनी है, वो भी तमिल लैंग्वेज के अंदर. एंड मतलब सारे 100-150 लोग खड़े हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं, कभी लड़की सही शॉट देगी या कहीं ओके टेक होगा. दैट आई डिड नॉट, दैट एंग्जाइटी ऑफ मेकिंग 150-200 पीपल स्टैंड वाइल यू आर ट्राइंग टू गिव अ गुड टेक, वो मेरे को. और वो भी दोस फ्रंट बेंचर काइंड, यू नो, हु ऑलवेज हैज टू गिव हर बेस्ट, काइंड ऑफ यू नो दैट परफेक्शन वाला कीड़ा, तो वो मुझसे हो नहीं रहा. और क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं करी है. और मैंने कहा ये तो मतलब मैंने किस चीज़ में कदम रख लिया यार, मतलब कुछ तो सोचती मैं अपना बेवकूफ़ बना रही हूँ यहाँ पे सबके सामने खड़े होके, कुछ आता है नहीं. तो दैट यू नो रियली गेव मी स्लीपलेस नाइट. सो आई डिड नॉट थिंक ऑफ दिस प्रोफेशन to be this difficult when I entered, क्योंकि उसकी image इतनी frivolous बनाई जाती है बाहर. But it really ना मतलब तारे याद आ गए, तारे दिख गए मुझे दिन के अंदर ये profession learn करते करते. And क्योंकि मैंने इतने इस level पर start किया था कि नाम इतने अच्छे थे कि मेरे साथ ना किसी ने कुछ weird नहीं behave किया. So that's how I got lucky कि किसी ने मेरे साथ, because you know start off at a certain position and plus because मैं कभी ऐसा, हालांकि आई डोंट थिंक कि तुम अपनी वाइब ऐसी रखो तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. तुम अपनी जैसी मर्जी वाइब रखो, जिसको स्लीजी एक्ट करना होता है वो करता ही है. बिल्कुल. बट मेरी वाइब ये हेल्प हो गई थी कि बिकॉज आई वॉज नॉट इमेजिनिंग दिस एज माई करियर, तो मैं ऐसे अपना पोर्टफोलियो लेके नहीं गई थी जगह जगह. यू जस्ट वेटेड कि एक फिल्म आएगी तो कर लूंगी, आ गई तो कर लूंगी, अच्छा ये आ गई, ये आ गई, इसमें से अगर एक चूज करनी है चलो कर लूंगी ऐसे. तो अगर क्या पता मैं एम्बिशियस तरीके से एक्टर बनने वाली मोड में आई होती और फिर मैं गई होती लोगों से मिलने के लिए, मे बी होता मेरे साथ भी कुछ ऐसा जो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, बट नहीं था ऐसा तो मैं बच गई. लाइक व्हेन यू लुक बैक टुडे एट हर, यू व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू मिस अबाउट दैट गर्ल हू स्टार्टेड एंड व्हाट इज इट दैट यू डोंट मिस अबाउट? आई रियली मिस, अभी मैं कितना, अभी भी मैं रोज़ ही यही सोचती हूँ कि गाड़ी में बैठती हूँ ना जब, एक तो आई मिस द फैक्ट दैट आई कैन आई यूज़ टू ड्राइव. मतलब अभी कुछ मुंबई आने के 2 साल बाद मैंने ड्राइवर रखा, वो भी इसलिए क्योंकि मुंबई में पार्किंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम. आई लव ड्राइविंग, आई लव टू बी ऑन माई ओन, आई डोंट लाइक पीपल अराउंड मी. मतलब एक हेयर के लिए खड़ा है, एक मेकअप के लिए खड़ा है, एक स्पॉट पर खड़ा है, एक मैनेजर है, एक ये है वो.
मेरे को ये ऑनट्राज ना मेरे को मेरे आसपास मत खड़े हो. सो आई एम अ पर्सन, आई मीन आई एम नॉट अ लोनर, आई एम अ वेरी सोशल पीपल्स पर्सन, बट आई लाइक टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, नॉट विद यू नो पीपल स्टैंडिंग देयर जस्ट टू टच यू अप एंड मेक श्योर यू नो यू आर लुकिंग परफेक्ट. मुझे इवन ऑन सेट स्टिल डेट आई डोंट हैव अ बॉडीगार्ड. सो आई फील वेरी वियर्ड व्हेन समवन इज जस्ट ऑलवेज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. इट्स वेरी ऑकवर्ड. आई एम लाइक लीव मी, जस्ट लेट मी बी. तो आई मिस दैट फीलिंग वेयर यू नो व्हेन आई एम ड्राइविंग इन अ कार देयर I want to look out of the window. I want to pull down the window down and just like not worry about that koi aa jayega ekdam camera leke mere muh ke aage. And agar main koi dekh rahi hungi to wo ekdam aake aise karega koi ya fir you know these kind of things. I miss this because I used to enjoy this. You know, roll down the window, just like tum dekh rahe ho aas paas, sab apna apna kar rahe hain. Nobody is really looking back at you. Koi bother nahi kar raha hai. Haan, koi bother nahi kar raha hai. क्योंकि मतलब आई मीन कोई आज की डेट में अगर कोई मुझे ना पहचाने वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज देन यू प्रॉब्लम नॉट डूइंग समथिंग राइट इन योर करियर. बट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई डिड नॉट इमेजिन दिस करियर फॉर माई सेल्फ. सो वो वाली लाइफ मैं इंजॉय कर रही थी ये इमेजिन करे बिना. सो वो अब थोड़ी सी मिस होती है कि मैं ऐसे नहीं सड़क पर ऐसे ही कोई घूम रहे हो, मतलब मॉल में जाके शॉपिंग कर रही हूँ मैं, वो सब नहीं हो पाता है जो मैं पहले बहुत करती थी. स्ट्रीट शॉपिंग बहुत करती थी मैं दिल्ली के अंदर, वो सब भी नहीं हो पाता है. तो वो सब किसी भी रेस्टोरेंट में कैफे में जाके वो स्ट्रीट फूड, मैंने छोले भटूरे रोल्स वगैरह जो खड़े होकर रोड साइड पर खाए हैं वो आप वहाँ नहीं खड़े होकर खा सकते. वो चीज़ें मैं मिस करती हूँ. और जो चीज़ें अभी अच्छी लगती हैं वो ये कि विदाउट बीइंग इन टच विद समवन फिजिकली, इन द सेंस मतलब मेरे सामने नहीं बैठा है इंसान, वो कहीं और किसी कंट्री के किसी और वर्ल्ड के चाहे किसी कोने में है, बट मैं उसको कितना इफेक्ट कर सकती हूँ. मतलब द वे दे शो मी लव विदाउट इवन मीटिंग मी वंस, एंड द वे दे स्टैंड फॉर मी बीट बिकॉज ऑफ द स्टूपिड रोल्स और व्हाटएवर, आई टेल देम नॉट टू बॉदर, बट देर पीपल हु आर लाइक यू नो रेडी टू टेक अप अ फाइट फॉर यू विदाउट इवन नोइंग यू पर्सनली. दैट काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव, दैट इज समथिंग दैट दिस प्रोफेशन गिव्स यू, विच प्रॉब्ली लॉट ऑफ अदर्स डोंट. Watch eTown News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.